मेरा नाम अनुराग पांडे, चल रहा है पिक्चर पांडे और इसमें मेरे साथ में मौजूद हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड अथिया। क्या बात, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। देखा इनकी फिल्में? देखी कौन कौन सी फिल्में देखी आपने? फेवरेट फिल्म बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान, ओह फेवरेट कैरेक्टर, वही कैरेक्टर। तो कौन से सीन में, कौन से इमोशन में, कौन से परफॉर्मेंस में बहुत कमाल लगी है? एक्चुअली कॉमेडीज में आई नो हम सीक्रेट गेम्स और ये सब इंटेंस कैरेक्टर्स और रोल्स देखते हैं, लेकिन माय फेवरेट कैरेक्टर ऑफ नवाज़ इज कॉमेडी में। कौन कौन सी फिल्म? जैसे बजरंगी भाईजान, मोतीचूर चकनाचूर, हाउसफुल में भी। अच्छा, वो भी देखी आपने? हाँ, कमाल है सर, क्या सब कुछ, मैं सब कुछ देखती हूँ सर। मतलब लड़की तो होशियार है। तो मोतीचूर की क्या कहानी है मोटा मोटी बताइए? मोतीचूर फर्स्ट हाफ में और मेरा तो चकनाचूर हो जाता है सेकंड हाफ में, तो इसीलिए मोतीचूर चकनाचूर। एनी का किरदार है, उनको विदेश जाना है किसी भी हालत, और ये जो मोड़ा है उनको मोड़ी चाहिए। तो ये है मोतीचूर चकनाचूर। गानों के बारे में बताओ, हम लोग रेडियो स्टेशन में गाने प्ले करते हैं, तो कौन कौन से गाने सबसे प्रिय हैं आपके लिए? मेरे लिए कैसी बनेगी सरकार, जो वेडिंग का गाना है, आई थिंक वो सबसे मज़ेदार था शूट करते वक्त, और आई थिंक एज अ सॉन्ग ऑल्सो इट्स वेरी अलग है, अलग आई थिंक वेरी ऑथेंटिक एंड ट्रू टू द फिल्म, तो मुझे वो गाना पसंद है। आप बचपन में कौन से गाने पे डांस किए हो? बचपन में, बारात में, शादी ब्याह में, गाँव में? गाँव में तो हमारे वो उसी तरह के गाने चलते थे, लाइक जैसे झूम बराबर झूम शराबी टाइप में। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, उस तरह के नागिन डांस टाइप का। नागिन बहुत किए वो, नागिन डांस। एक्चुअली शादी वादी होती थी ना तो पैसे फेंकते थे, है ना, दूल्हे के ऊपर से पैसे फेंकते थे ना, तो वो चुनने के लिए जाते थे हम लोग। अच्छा, हाँ, किसी हाथ में 10 पैसे लग गए, 5 पैसे लग गए, ऐसे डांस एक बहाना था, डांस हो रहा है, पैसे का जुगाड़ हो जाता। आपने कौन कौन से डांस किए शादी में? बहुत सारा। कौन कौन से गाने? सब संगीत में 90s गाना आई थिंक सबसे मजेदार होता है। 90s का? हाँ। तो आपको फेवरेट कौन सा गाना है जिसमें आपने परफॉर्म किया स्टेज में? 90s का नहीं है लेकिन तेनु लेके सलमान सर का गाना। ओह। और प्रियंका चोपड़ा, दैट्स आई थिंक माय फेवरेट वेडिंग सॉन्ग। अच्छा, हर वेडिंग में वही? हाँ। एक बार तो प्ले होता है। नमाज में अभी अगर मौका मिल रहा है तो कौन से गाने पे डांस करेंगे स्टेज में, वेडिंग में, शादी में? मेरे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, मुझे ध्यान नहीं कौन कौन से, जो गाने तो खुद ही झुमा देते हैं अपने आप, आपको गाने वही होते हैं जो आपको खुद ही मजबूर कर दें डांस करने पे, यानी बहुत सारे गाने हैं आजकल तो। अच्छा, बहुत सारे गाने। आपको सबसे इंटरेस्टिंग कौन सी फिल्म लगी जो शादी के ऊपर है और आपको लगा कि यार ये देख देख के मैं हंस दिया यार इस पूरी पिक्चर में? शादी की फिल्म? शादी की फिल्म, फिल्म में अंधेरी रात। अच्छा, बहुत कमाल पिक्चर। अरे कमाल, मतलब एक से बढ़कर एक फिल्म, अंधेरी रात में, जॉन मेरी मार लो, जॉन। बहुत ही अजीब गरीब थे, टाइटल बड़े अजीब गरीब होते थे लेकिन फिल्म बड़ी कमाल होती थी। मतलब हम लोग हंस के पागल होते, हम लोग छुप छुप के जाते थे पिक्चर देखने के लिए। आपको कौन सी पिक्चर लगती है? मुझे तो क्वीन, आई लाइक्ड क्वीन अ लॉट। शादी के ऊपर है लेकिन यू नो क्या होता है जब शादी नहीं होता है, यू हैव टू गो ऑन हनीमून अलोन, तो आई थिंक वो एक, आई रियली लाइक दैट फिल्म एंड कंगनास परफॉर्मेंस। क्या बात है नवाज, इतने सारे करेक्टर कर रहे हैं आपने, मुझे अच्छे लगा था कि जब पहली बार इनसे मिला था इन्होंने कहा था कि अनुराग मेरे पास अभी 5,500 करेक्टर और बाकी हैं जो लोगों तक पहुंचना बाकी है, कितने बचे हैं अभी? और बच गए होंगे अभी 25 और बचे हैं अभी। अच्छा, मतलब 25 ही खर्च हुए अभी। तो घर में प्रेशर देते होंगे अभी तो, खैर चलिए परिवार है पूरा, जब शादी किस उम्र से प्रेशर आने लगा था घर में? ये तो आपको लगा था यार शादी कर लेनी चाहिए थी। नहीं, मुझे प्रेशर नहीं आया था बट मैं खुद लेने लगा था प्रेशर। शादी करनी है, बहुत शादी करनी है। हाँ, क्या उम्र थी उस समय? होगी कोई 25-25 साल का होगा। अरे उसके बाद डिसाइड किया कि शादी करनी। हाँ, शादी कर लेते हैं, वो काम वाम तो मिल नहीं रहा, मैं चलो कुछ नहीं तो शादी कर लो, शादी कर लो। तो सफल नहीं हो पाए फिर 25 में? सफल नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ, गए थे मतलब रिश्ते रिश्ते लेके गए थे। अच्छा, हाँ, तो कोई किस्सा याद? लोग पूछते थे कि भाई क्या करते हो? मैंने कहा एक्टर है। मैंने वो तो ठीक है लेकिन करते क्या हो? ये सबसे बड़ा सवाल था। मैंने कहा एक्टर है तो मुझे कहीं दिखाई तो देते नहीं। मैंने कहा आएंगे 2-3 साल के बाद शायद दिखाई दे जाए आपको टीवी पे। अच्छा। तो उन्होंने 2-3 साल वेट किया। अच्छा। तो उन्होंने फिर बाद में जब मैं दिखाई नहीं दिया उनको टीवी पे तो उन्होंने फोन किया मेरे फादर को। हाँ। तो बोले यार भाई साहब
कुत्ते बिल्ली शेर हाथी जिराफ सब दिखाई दे रहा है, बेटा नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों मतलब इतना नहीं मानते थे कि यार ये एक्टर बनेगा या नहीं? हाँ नहीं, उनको यकीन ही नहीं होता था। तो इतनी सारी कहानियां, इतनी सारी फिल्में नवाज, और ये अपने आप में बहुत यूनिक होने वाली यार है। मुझे तो ऐसे लगता है कि इस फिल्म में अब चकनाचूर कौन होगा तो देखना पड़ेगा, मोतीचूर किसका है वो देखना पड़ेगा। तो मीठा है खट्टा है तो देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। खट्टा मीठा, खट्टा भी है मीठा भी है, ऐसा मजा तो तभी है ना। मजा तभी है, मीठा मीठा खाओगे तो फिर बहुत बोर भी हो जाते हैं ना आदमी, एक ही चीज खाते खाते ऐसा।